नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलखन में झूठी अफवाह लाकर गांव में अराजकता का माहौल बनाकर लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा देने संबंधी शिकायत दर्ज कराने बाबत की। मैं रामकृष्ण कश्यप, पिता राधे श्याम कश्यप, उम्र 51 वर्ष, साकिन सलखन, जिला जांजगीर चांपा का निवासी हूँ। मेरी पत्नी हेमलता कश्यप, जो कि ग्राम सलखन की सरपंच है, उप सरपंच ममता कश्यप एवं उसके पति अमरनाथ कश्यप द्वारा चुनाव के समय की रंजिश को लेकर ग्राम सलखन में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि 2021-22 की कार्य योजना का पैसा सरपंच द्वारा बिना काम के निकाल लिया गया है, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है एवं झूठा है। आज दिनांक 31 मार्च 2021 तक शासन द्वारा कोई पैसा नहीं आया है, जिसकी मूल प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है। इस तरह की झूठी बातों को उप सरपंच पति अमरनाथ द्वारा मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे मेरी एवं मेरी सरपंच पत्नी की छवि धूमिल हो रही है एवं हमारे बेदाग चरित्र पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब मुझे इस बात की खबर हुई तब मैंने बताया कि इस तरह से कोई पैसा ना आया है। तब उप सरपंच पति एवं उसका भतीजा रिंकू आज दिनांक 31 मार्च 2021 को सुबह 9 बजे मेरे निवास के सामने आकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा था। इन सब बातों के गवाह तुलसी कश्यप, पिता कलेश कश्यप, योगेश कश्यप, पिता शिव कुमार और राजेंद्र प्रसाद कश्यप, पिता गोपाल कश्यप हैं, जो कि इस पूरी घटना को देखें एवं सुने हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए उचित न्याय करने की महान कृपा करें। मेरा परिचय है राम खिलावन कश्यप, स्वर्गीय बोधि राम कश्यप, गौटिया पारा। मैं वार्ड नंबर 6 के पंच हूँ, अभी भी पंच हूँ और गांव के कार्य करते आ रहा हूँ। 2 साल हुआ है चुनाव में और गांव कार्य को देख रहा हूँ और पूरे जनता के व्यवस्था कर किया हूँ। और अभी गौठान के लिए पैरा इकट्ठे कर चुका हूँ और तार भी घेरवा दिया हूँ वहाँ, पूरे पंचायत के सलाह से। पूरा 200 पंचायत हमको सलाह दे कर प्रस्ताव करके ये कार्य करवाए हैं, ये बात सत्य है। और पूरे पंच है अभी मेरे सामने जो खड़े हैं वो पूरे पंच हैं। कृपा राम जी हैं, रामतार जी है और चुलबुल जी है, हमारे फिरतू साहू जी है, ये सब पंच है। उत्तरा कुमार नाम लगाता हूँ, पहले फुल भाई धीवर पंच, वार्ड क्रमांक 13 की हूँ। और जो अफवाह हो रहा है वो सब गलत है। और सरपंच जी हैं जो हमें ये हर कार्य, छोटे से भी छोटे कार्य को हमें पूछे बिना, बीस पंच को पूछे बिना कोई कार्य बिना पूछे नहीं कराए। और जो उप सरपंच जो आज गलत रास्ता में चला गया है, हमें बिना पूछे ही सब कार्य में, मतलब जो कार्य हो रहा है उसमें आरोप लगा रहा है। माँ देवी कुर्रे, ग्राम सलखन के पंच, वार्ड क्रमांक 18, उप सरपंच हमारे यहाँ गेरी से तमोल बोलात्री से सरपंच के साथ ल छोड़ा तो अगले में जाके हमन के कमाई हो ही कहके बोलात्री से तो हमन नहीं सलाह दे। मैं यहाँ 5 वार्ड के पंच और जो सरपंच है वह अच्छा काम करवाते हाँ। हेमलता कश्यप जो सरपंच है वह अच्छा काम करवाते। आप मन कर सलाह लेते पंच मन? हाँ, हम मन कर सलाह लेके पूरा काम करवाते। और हर में लगाते उप सरपंच द्वारा तो वो सब गलत है। वो जौन उप सरपंच है तो वह उसने नाना प्रकार के है करते। और सरपंच है ना तो सब पंच के सलाह लेके ही काम करवाते। और हमन ला तो अच्छा लगते भाई, और अच्छा काम भी हुआ थे रहे है, यानी कि गांव के बारे में यानी कि उन्नति के में सब अच्छा काम हुआ थे। अच्छा ही ला रहना चाहिए। उप सरपंच है जौन ना तो हमारे गांव के विकास ला रोकना चाहते थे। और हमन के घर घर में सब के जात है और सब ला भड़का थे और गांव की उन्नति ला रोकना चाहते और सरपंच बनना चाहते। भारद्वाज है, वार्ड क्रमांक 14 से मैं पंच हूँ। और अभी तक जो भी कार्य हुआ है 4 महीने में,
बाकी 3 महीने कोरोना खा गया, बरसात खा गया, बाकी 4 महीने में जो भी काम हुआ है और बहुत ही अच्छा से हुआ है। हमारे गांव में पूरा सीसी रोड हुआ है, ये सब चीज़ का जानकारी हम लोग को है। और छोटा सा छोटा कार्य को यहाँ पे जितना पंच है उसको सलाह ले गए, सरपंच अभी तक काम नहीं किया है, और जितना भी फंड में पैसा आया है वो सब चीज़ की जानकारी हमें देता है कि इतना काम हो रहा है, इतना काम हो, इतना प्रस्ताव दिया गया है। और भी हमारे मोहल्ले में अभी तक तो कार्य नहीं हुआ, लेकिन पूरा अभी तक उनका विवरण दिया गया है सभी को, और धीरे धीरे सब कार्य होगा, पूर्ण विश्वास है। और जो कार्य चल रहा है उसमें उप सरपंच बिना मतलब का सभी पंचों को भड़काया जा रहा है कि ये काम करके पैसा निकाल खा दिए, ये काम करके पैसा निकाल खा दिए है, और जनता को भड़का के वो अपने गलती खुद कर रहा है। इस वजह से वो अपना इमेज खो रहा है, और हम सभी पंचायतों को मतलब फोड़ने का वही प्रयास कर रहा है। इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत सलखन में रामकृष्ण कश्यप हेमलता कश्यप जो सरपंच है वो अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं और 5 साल तक करेगा। सलखन में सरपंच के पति हमारे ये अमरनाथ कश्यप गांव में जगह जगह जनता मल्ला और पंच मल्ला भड़का जाते कि तुहर गांव के सीसी रोड ला, तुहर गली के सीसी रोड चबूतरा और पथरी ये सब ला निकाल के खादा रह गए हैं। जबकि 2021-22 के GPTP में पूरा पंच 200 पंच मिल के करे हैं, उनका प्रस्ताव के कॉपी भी है चढ़ाए हैं और पैसा अभी तक आए नहीं है। वो अप्रैल में आना है कैसे बताते पैसा आ ही गए, तो जबरन के गांव में छवि ला खराब करा थे घूम घूम के, सब पूरा पंच ला पूछ सका था, जो भी कार्य होते सबके सहमति से होते। और GPTP के पूरा कागजात मैं थाना में सौंप चुके हैं, तो जाके जानकारी ले सका था कि कौन सीसी रोड निकले, थाना में आके पूछे भी है वाला कौन कौन सीसी रोड लाए खाए थे बता चल देखे जहाँ ऐसे गए कौन चबूतरा खाए गए इसे गए, जो कि पूरा पंच के सहमति से काम होते हुए सब पंच के जबरन के वो भड़का के पंच मतलब भड़काते जनता ला भड़काते छवि खराब करके सरपंच ला गिराना चाहते, और पंच ला जाके भड़काते तोला सरपंच बना तोला सरपंच बना के कुछ और नेता बन भेजे साथ में होकर। और अमरनाथ कश्यप जाके ओला निकाला थे नेट में निकाल के बता जाते तो सीसी रोड ला खादा रहे निकले निकाल दा रहे खादा रहे तो रोड बने नहीं तो काम बने नहीं है गए पूरा चाह तो पंच मतलब पूछ सका था जाके ये सब काम ला। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ? मीडिया के माध्यम से वही कहना चाहता हूँ ये गलत तरीके से गांव में और छवि खराब कर रहे थे, साफ सुथरा छवि बने हुए है तेला खराब करना चाहते, कोई भी काम हो भी ना एक भी पैसा नहीं निकाला मैं यहाँ सचिव ला पूछ सका था, पुराना सचिव ला पूछ सका था, पंच मतलब पूछ सका था, जबरन के फर्जी बिल बनाते आरोप लगाते गलत बातें हर पूरा काम हो के बाद पैसा निकालता और जो पैसा आते तेला सबके पंचायत के बीच में जानकारी होती कि का काम करना है तेहर उप सरपंच के द्वारा गलत तरीके। अच्छा एक मिनट का एक बार मारा मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था कि जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे ओकर छानबीन होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए, जिकर गलत है वो दोषी ला सजा मिलना चाहिए। अगर आप रोज रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।